नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब मिलेगा जमाबंदी में गड़बड़ी से छुटकारा, सरकार ने की विशेष पहल। धन कुबेरों पर शिकंजा कसने में अब और आएगी तेजी। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए बनाए जाएंगे रोड मैप। अमित शाह के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहों में बिछा दिए फूल। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। अब मिलेगा जमाबंदी में गड़बड़ी से छुटकारा, सरकार ने की विशेष पहल। बिहार में जमीन खरीदने से ज्यादा झंझट उसकी जमाबंदी कराने में है। हालांकि भूमि सुधार विभाग इस पर काम कर रही है। इस बीच एक कंप्यूटरीकृत जमाबंदी में गड़बड़ी की शिकायतों से आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलों में कैंप लगाने का फैसला किया है। शिकायत है कि कंप्यूटरीकृत और मूल जमाबंदी के विवरण में काफी अंतर देखने को मिलता है। इसे दूर करने के लिए लोग अंचलों में जाते हैं तो रिश्वत की मांग की जाती है। ऐसी शिकायत जनता के दरबार में, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी आती है। इन सब के बीच विशेष कैंप के बारे में निर्देश दिया गया है कि मूल जमाबंदी में दर्ज विवरण के आधार पर कंप्यूटरीकृत जमाबंदी की गड़बड़ी दूर की जाए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा की। अखिलेंद्र मिश्रा का जन्म बिहार के सिवान जिले के कुलवा गांव में हुआ। उन्होंने छपरा के उसी स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अखिलेंद्र मिश्रा का अधिकांश बचपन छपरा में ही बीता। उनके पिता गोपालगंज के डीएवी स्कूल में टीचर थे। अखिलेंद्र मिश्रा जब 8वीं कक्षा में थे तो उन्हें दुर्गा पूजा के दौरान गांव में होने वाले नाटक पसंद आने लगे थे। इसके बाद अखिलेंद्र मिश्रा ने पहली बार गौना के रात नाम के भोजपुरी नाटक में हिस्सा लिया था। 90 के दशक में दूरदर्शन पर आने वाली धारावाहिक चंद्रकांता से अखिलेंद्र मिश्रा को पहचान मिली। चंद्रकांता धारावाहिक में क्रूर सिंह के किरदार को जीवंत करने वाले अखिलेंद्र मिश्रा ही थे। इसके बाद सरफरोश में मिर्ची सेठ, लगान में अर्जुन और गंगा जल में बेईमान, पुलिस वाले में भूरे लाल जैसे किरदारों को भी यादगार बनाया। बिहार बोर्ड ने जारी किया डीएलएड प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड की माने तो परीक्षा में मैट्रिक पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न का पैटर्न रहेगा। बोर्ड द्वारा मैट्रिक स्तरीय उर्दू, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से भी प्रश्न रहेंगे। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहली बार बिहार बोर्ड द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। राज्य भर में एनसीटीई से मान्यता प्राप्त 306 डीएलएड कॉलेज में 30,550 सीटों पर नामांकन किया जाएगा। धन कुबेरों पर शिकंजा कसने में अब और आएगी तेजी। 11 अफसरों की सेवा हुई कंफर्म। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बिहार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में भ्रष्ट अफसरों, घुसखोरों और सरकार के नाक के नीचे अवैध तरीके से धन कुबेरों के खिलाफ बिहार विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है और आने वाले दिनों में विजिलेंस की गतिविधियों में और तेजी आएगी। आपको बता दें कि सरकार ने निगरानी अन्वेषण संवर्ग की सीधी भर्ती से नियुक्ति डीएसपी स्तर के 11 अफसरों की सेवा कंफर्म कर दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही निगरानी ब्यूरो में अब डीएसपी की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। बीपीएससी 56वीं से 59वीं बैच से नियुक्त किए गए हैं और डीएसपी रैंक के अफसरों की संख्या अब 24 हो जाएगी। बढ़ाई जाएगी सचिवालय की सुरक्षा, 2 अगस्त को फिर होगी बैठक। सरकार बिहार विधानमंडल और सचिवालय की सुरक्षा बढ़ाने पर काम कर रही है। इसके लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रवेश और निकास द्वार पर बूम बैरियर और स्कैनर आदि लगाए जाने की भी योजना है। सचिवालय में प्रवेश से पहले आगंतुकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के साथ वरीय पुलिस पदाधिकारियों की एक दौर की बैठक हो चुकी है। वहीं 2 अगस्त को होने वाले अगली बैठक में गृह विभाग ने डीआईजी सुरक्षा, एसएसपी पटना एवं डीएसपी सचिवालय सुरक्षा को सचिवालय एवं बिहार विधानमंडल परिसर के नजरी नक्शा के साथ सुरक्षा एवं वाहन परिचालन योजना प्रारूप तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया है।
आईआईटी गुवाहाटी ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी ने असिस्टेंट इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के विभिन्न डिसिप्लिन में कुल मिलाकर 16 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित विषय में बैचलर या पीजी डिग्री के साथ ही कार्य अनुभव भी होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.iitg.ac.in पर जाकर जरूर चेक करें। बिहार भवन के रेजिडेंट इंजीनियर के पास ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई का छापा। सरकार के नाक के नीचे अवैध तरीके से धन कुबेर बनने वाले अधिकारियों पर लगातार आर्थिक अपराध इकाई शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम के ठिकानों पर बीते दिन सुबह से ही छापेमारी चली। इन पर आय से 91.08% अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज हुआ है। तलाशी में इंजीनियर फिरोज आलम के सुखदेव विहार आवास से 1,43,000 नगद तथा स्वर्ण आभूषण मिले हैं। दिल्ली के जोहरी फार्म में उनके 2 फ्लैट का पता चला है, साथ ही दिल्ली के शाहीन बाग के एक अन्य फ्लैट का पता चला है। कार्यालय से तलाशी के क्रम में मेरठ में भूखंड खरीदने संबंधी दस्तावेज मिले हैं। वहीं खबर लिखे जाने तक इसका सत्यापन किया जा रहा था। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए बनाए जाएंगे रोड मैप। बिहार के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई को लेकर हमेशा शिकायतें सुनने और देखने को मिलती हैं। हालांकि अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप बनाए जाएंगे। इसके लिए 15 अगस्त तक रोड मैप तैयार कर लेने के लिए कहा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीईपी सभागार में 22 NGO के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने निर्देश देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक विमर्श और चर्चा के आधार पर रोड मैप बन जाए, ताकि 17 अगस्त को एपेक्स गाइडिंग ग्रुप की बैठक में रोड मैप पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। बिहार के अधिकतर जिलों में अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान। पिछले सप्ताह से ही राजधानी पटना सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में मॉनसून का प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं रविवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर तक बारिश की बौछारों ने एक बार फिर प्रदेश के कई हिस्सों को भिगो दिया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पटना समेत प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ वर्षा की अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। 19 जिलों में भारी वर्षा के आसार हैं। वहीं पटना समेत अन्य हिस्सों में मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अमित शाह के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहों में बिछा दिए फूल। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे। गृह मंत्री के स्वागत में पटना एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए थे। जिस रास्ते से स्टेट हैंगर से गृह मंत्री अमित शाह निकलने वाले थे, उस सड़क पर फूल बिछाया गया था। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते दिन नेता और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया। तुतला धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मॉनसून का महीना चल रहा है और अभी बिहार में सभी झरने सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं बिहार में स्थित ऐसे ही एक झरने के बारे में। आज हम बात करेंगे तुतला धाम की। रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में रेडिया गांव स्थित तुतला भवानी धाम की छठा निराली है। आपको बता दें कि तुतला भवानी झरना में मॉनसून की बारिश में आया पानी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तुतला भवानी धाम में तुतलेश्वरी भवानी की प्रतिमा अति प्राचीन है। फ्रांसीसी बुकानन ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि यह प्रतिमा प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। यहाँ के क्षेत्र में मौसम कोई भी हो, यहाँ सालों भर पर्यटकों से यहाँ की वादियाँ गुलजार रहती हैं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र पर पिकनिक मनाने और कुछ पल बिताना चाहते हैं तो परिजनों एवं दोस्तों के संग अवश्य जाएं। बूथ स्तर तक के लिए जदयू ने एजेंडा किया तैयार। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक पार्टियां लग चुकी हैं। उधर भाजपा ऐतिहासिक बैठक कर रही है तो इधर जदयू भी पीछे नहीं है। दरअसल जदयू लोगों से बूथ स्तर तक जाकर संवाद को अब बड़ा एजेंडा बनाकर आगे की तैयारी कर रही है। जदयू निचले स्तर के पदाधिकारियों को इस बारे में टास्क देना शुरू कर दिया है। जोर इस बात पर है कि संवाद बूथ स्तर तक हो, इसे भी जदयू ने नोटिस में रखा है। निचले स्तर तक पदाधिकारियों को
यह कहा गया है कि वे जब बूथ स्तर तक संवाद के लिए जाएं तो लोगों से बातचीत के क्रम में उनके सुझाव और शिकायत नोट कर मुख्यालय लाएं, उनकी शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था और सुझाव पर विमर्श हो। यह कवायद है कि चुनाव के पहले प्रकोष्ठ से जुड़े नेता बड़े स्तर पर लोगों से संवाद कर लें। इस संबंध में प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को सेंसिटाइज किया जा रहा है। अररिया जिला सहित देश के 6 राज्यों में एनआईए ने की छापेमारी। फुलवारी शरीफ टेरर मामले में एनआईए की कार्रवाई जारी है। इस बीच एनआईए ने बीते दिन देश के 6 राज्यों के 13 जगहों पर छापा मारा है। रेड में आईएसआईएस को कई संदिग्ध दस्तावेज और सबूत मिले हैं। खबर लिखे जाने तक रेड जारी रहा। आपको बता दें कि एनआईए ने देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ ही आसपास के कुछ राज्यों में रेड किया है। वहीं बिहार के अररिया जिले में इसको लेकर रेड डाला गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े फुलवारी शरीफ मामले को लेकर गुरुवार सुबह से नालंदा समेत बिहार में कई जगहों पर भी छापेमारी की गई थी। बिना भाग दौड़ ऐसे कर सकते हैं अपने डीएल का एड्रेस अपडेट। अगर आप गियर वाले वाहन चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी होना बेहद जरूरी है। इसमें यूजर्स का नाम, जन्मतिथि और एड्रेस जैसी डिटेल्स मौजूद होती है। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज करा लिया है या फिर आप किसी नई लोकेशन पर चले गए हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर भी पता अपडेट करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव करने के लिए आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा। साथ ही आप ऑनलाइन भी ड्राइविंग लाइसेंस का पता अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov पर जाएं, फिर ऑनलाइन सर्विसेज के तहत ड्रॉप डाउन मेनू में जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सर्विसेज पर क्लिक करें। इसके बाद विभिन्न स्टेप्स फॉलो करते हुए आप अपने एड्रेस को अपडेट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिल्म अभिनेता व निर्देशक संजय मिश्रा को मिला खास सम्मान। बिहार की आन बान और शान। बॉलीवुड अभिनेता व निर्देशक संजय मिश्रा को कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि गोलघर के समीप बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम के कार्यालय में कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव सह फिल्म निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी ने संजय मिश्रा को सम्मानित किया। इस मौके पर संजय मिश्रा ने बिहार में फिल्मों के विकास को लेकर बात की है। धड़ल्ले से लाइसेंस बांट रही है परिवहन विभाग। बिहार में परिवहन विभाग धड़ल्ले से ड्राइविंग लाइसेंस बांट रही है। बिहार की सड़कों पर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी धड़ल्ले से बन रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में 50 लाख से अधिक लाइसेंस बन चुके हैं। अगर सिर्फ इस साल की बात करें तो अभी तक 4.5 लाख से अधिक लाइसेंस बन चुके हैं। देश के 10 शीर्ष राज्यों में बिहार शामिल है जहां से सर्वाधिक लाइसेंस जारी हुए हैं। राजधानी पटना की तुलना में 3-4 गुना अधिक लाइसेंस दूसरे छोटे जिलों से जारी हो रहा है। बिहार में अभी मात्र 2 जिला पटना और औरंगाबाद में ही टेस्टिंग ट्रैक बना है। नतीजतन इन दोनों जिलों में लाइसेंस बनाने वालों की संख्या में कमी आई है। इस डर से लोग पड़ोस के जिलों में जाकर लाइसेंस बनवाना शुरू कर चुके हैं। इस साल जनवरी से जुलाई तक बिहार में 4,64,557 लाइसेंस के लिए आवेदकों ने टेस्ट दी थी। इसमें से मात्र 2076 फेल हुए। फेल होने वालों में 1,477 आवेदक अकेले पटना के हैं। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान कार्रवाई की जद में। बिहार विधानसभा में AIMIM के इकलौते बचे विधायक अख्तरुल ईमान पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन पर बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति की अध्ययन यात्रा के दौरान अपनी पार्टी के समर्थकों को क्षेत्र में बुला लेने और अपनी पार्टी का झंडा तथा एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप समिति के सभापति और सदस्यों ने ही लगाया है। इसकी पहले मौखिक व अब लिखित शिकायत बिहार विधानसभा अध्यक्ष से की गई है। अध्यक्ष ने इसकी जांच का आदेश दिया है। यह मामला जल्द आचार समिति को भी सौंपा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जीते 4 विधायक हाल ही राजद में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अख्तरुल ईमान AIMI में अकेले ऐसे नेता बचे हैं। क्षेत्रीय दलों में जदयू को मिला सबसे अधिक चंदा। देश में क्षेत्रीय दलों को मिले कुल चंदे में से 113.791 करोड़ रुपए 5 दलों को मिला है, जिसमें जदयू को सबसे अधिक चंदा मिला है। ADR यानी चुनाव अधिकारों से जुड़ी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के चुनाव आयोग के समक्ष क्षेत्रीय दलों की ओर से घोषित चंदे पर केंद्रित है। घोषित चंदे के मामले में शीर्ष 5 क्षेत्रीय दल जनता दल यूनाइटेड, द्रविड़
मुनेत्र कसगम, आम आदमी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और तेलंगाना राष्ट्र समिति शामिल है। प्राप्त चंदे के मामले में जदयू 330 दान से 60.155 करोड़ रुपए के साथ शीर्ष स्थान पर है। तेजस्वी ने एक बार फिर किया भाजपा पर सवालों का बौछार। भाजपा की संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर दो दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए हुए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बीते दिन पटना पहुंचे। इस बीच इस कार्यक्रम को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं और लिखा है, यह विडंबना है कि 15 लाख रुपये हर भारतीय के खाते में, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके 2014 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार को सबसे अधिक बेरोजगारों वाला बना दिया है। 2 करोड़ सालाना नौकरियों की वादा खिलाफी के बावजूद भी इन्होंने 2020 में बिहार के युवाओं को 19 लाख नौकरियों का वादा किया और फिर विश्वासघात कर युवाओं की पीठ में छुरा घोंपा। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर कई और सवाल भी दागे हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से की हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात के 91 एपिसोड के माध्यम से देश भर के लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए अपील की कि 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश भर के लोग हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। वहीं पीएम ने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस अभियान बहुत ही खास है। पीएम ने देशवासियों को संबोधित करते हुए अपील की है कि अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह 2 से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगा सकते हैं। यह दिन पिंगली वेंकैया नायडू से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि 2 अगस्त को उनकी जयंती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। स्वतंत्रता सेनानी तथा आयरन लेडी के नाम से मशहूर श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से होम रूल लीग के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त केसर ए हिंद पुरस्कार को लौटाया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में शक्तियों का बंटवारा हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल 1947 में बने। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सफदरजंग में राष्ट्रीयकृत एयरवेज का उद्घाटन किया। आचार्य विनोबा भावे को 1958 में रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का जन्म 1899 को हुआ था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल और मोहम्मद निसार का जन्म 1955 को हुआ था। जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म 1932 को हुआ था और विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन 1920 को हुआ था। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी जिम्बाब्वे दौरे पर खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में बाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन एक बार फिर से टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। वहीं स्टार मीडियम पेसर दीपक चाहर की वापसी हुई है। वो लंबे समय से अपनी इंजरी से जूझ रहे थे लेकिन अब इंजरी से रिकवर होकर वो वापस आ गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत 18 अगस्त हो रही है। 18 अगस्त को पहला वनडे, 20 अगस्त को दूसरा और 22 अगस्त को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। तीनों मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला जाएगा और ये सीरीज आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होगा। इन 5 तरीकों से मिनटों में करें पता किसने आपको किया है व्हाट्सएप पर ब्लॉक। आजकल लोगों को ऑनलाइन नाराजगी जाहिर करनी होती है तो वो सबसे पहले सोशल मीडिया पर आपको ब्लॉक करते हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है। हालांकि ब्लॉक करने की यही एक वजह नहीं हो सकती है। ऐसे में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिसके जरिए आप यह पता लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप से आपको किसने ब्लॉक किया है। पहला तरीका, ऑनलाइन स्टेटस। अगर किसी व्यक्ति ने स्टेटस लगाया है और वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो आपको भी उसका स्टेटस दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो आप ब्लॉक कर दिए गए हैं। दूसरा तरीका, प्रोफाइल फ़ोटो। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट में मौजूद किसी व्यक्ति की प्रोफाइल फ़ोटो नहीं देख पा रहे हैं तो ब्लॉक वाली स्थिति हो सकती है। तीसरा तरीका, मैसेज डिलीवरी स्टेटस। चौथा तरीका, कॉल करें। तथा 5वां तरीका, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। अगर आपके पास यह मैसेज
मैसेज आता है कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू ऐड दिस कॉन्टैक्ट, तो समझ जाइएगा कि आपको उस व्यक्ति ने ब्लॉक कर दिया है। वंदे भारत ट्रेन में लगेगी ये खास तरह की सीट। अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत में लगने वाली खास सीटों की आपूर्ति घरेलू इस्पात कंपनी टाटा स्टील सितंबर से शुरू करने जा रही है। इस सीट की खासियत की बात करें तो यह सीट 180 डिग्री तक घूम सकती है। यह ट्रेन सीट की अपनी तरह की भारत में पहली आपूर्ति है। सितंबर से इन सीटों की आपूर्ति शुरू होगी और 12 महीनों में इसे पूरा किया जाएगा। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष देवाशीष भट्टाचार्य ने पीटीआई साथ बातचीत में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी के कंपोजिट प्रभाग को वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों के लिए सीटें मुहैया कराने का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर का मूल्य करीब 145 करोड़ रुपए है। बिहार में मिले कोविड-19 के 300 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 290 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1476 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 16, औरंगाबाद में 5, बांका में 1, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 9, भोजपुर में 4, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 4, गोपालगंज और जमुई में 2, जहानाबाद में भी 2, कैमूर में 1, कटिहार में 2, किशनगंज में 5, मधुबनी में 7, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 5, पटना में 114, पूर्णिया में 11, रोहतास में 19, सहरसा में 20, समस्तीपुर में 5, सारण में 6, शेखपुरा में 4, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 1, सुपौल में 20 और वैशाली में 7 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एक ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,14,412 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 200 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम नवमी मांझी, शंकर मुखिया, आकाश कुमार सिन्हा, दिलीप राम, अनवर करीम खान, मनीष कुमार सिन्हा, राजकुमार प्रसाद, जयनंदन ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, मदन कुमार, गौतम कुमार, कृष्णा कुमार और अंकुश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए प्रयासों और उपायों से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़।